हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ के मिडिल ईस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संजीव कौशल और आज की इस वीडियो में हम पर्टिकुलर बात करेंगे ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। ट्रैवल हिस्ट्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपका वीज़ा सक्सेस होने के लिए। अगर आप यूएस का वीज़ा, कैनेडा, शेनिंगन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए सोच रहे हो, या आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है स्टिल आप वेट कर रहे हो डिसीजन के लिए, या यूएस के इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हो, या आपने फ्यूचर में जाना है, सिंगल जाना है, विद फैमिली जाना है, ग्रुप टूर में जाना है, तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ। अगर आपकी प्रोफाइल रिसेंटली बोल्ड मतलब आप यूएई में 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर आए हो, आपकी प्रोफाइल ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, सैलरी ज़्यादा हाई नहीं है, एवरेज आपकी जो है सेविंग्स है, और उम्र आपकी बहुत ज़्यादा नहीं है, 25 से 35 साल के अंदर है, सो आई डू रेकमेंड कि आप फर्स्ट ट्रैवल हिस्ट्री करो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग डायरेक्टली टू दीज बिग कंट्रीज़। क्योंकि ये जो बड़ी डेवलप्ड कंट्री है ना, ये सबसे जो बेसिक पॉइंट्स लगाती हैं यही लगाती हैं कि हमको डाउट है आप उधर जाके वापस नहीं आओगे, आपके पर्पज़ एंड कंडीशन रिलायबल नहीं है, ऐसा आपको लिख के देंगी, जो कि 10 और 30 नंबर होता है शेनिंगन के अंदर। ये बहुत ही कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से है जो आपका वीज़ा है आपका रिफ्यूज़ हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री ना होने की वजह से, बिकॉज इसमें मेंशन होता है द इंफॉर्मेशन सबमिट रिगार्डिंग द जस्टिफिकेशन फॉर पर्पस एंड कंडीशन ऑफ योर इंटेंट टू स्टे वाज नॉट रिलायबल एंड देर आर अ रीजनेबल डाउट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ योर वीज़ा यू विल नॉट कम बैक टू द रेजिडेंट और होम कंट्री, ऐसा करके वो आपको रिफ्यूज़ करते हैं, ऐसा रीज़न लिख के वो आपको रिफ्यूज़ करते हैं। तो इसका बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, सोल्यूशन क्या है? अगर आप रिसेंटली रिफ्यूज़ हो किसी भी बड़ी कंट्री से, या आप फर्दर अप्लाई करना चाहते हो फ्रेश टाइम, फर्स्ट टाइम, आपकी प्रोफाइल ऐसी प्रोफाइल है जो मैंने अभी डिस्कस की है, तो आप पहले छोटी मोटी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करो। यूएई का वीज़ा होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बहुत सारी कंट्री जो कि ट्रैवल हिस्ट्री के लिहाज से भी अच्छी हैं, यूएई का या किसी भी गल्फ कंट्री का वीज़ा आपको फ्री में मिल जाती हैं। जैसे आप जॉर्जिया जा सकते हो, आर्मेनिया जा सकते हो, बाकू जा सकते हो, ये कुछ ऐसी कंट्री हैं जो आपको फ्री वीज़ा देती हैं। और इसके वीज़ा के लिए बहुत सारे लोग दुबई से जाते हैं और शारजा से जाते हैं। शारजा दुबई से जाओगे तो आपको ई वीज़ा की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये वीज़ा ऑन अराइवल है। अगर आप इस पैकेज को और भी ज़्यादा सस्ता बनाना चाहते हो तो अबू धाबी से एक बजट एयरलाइन जो वीज़ा एयरलाइन के नाम से है, उसका कोई एजेंट नहीं होता है, आपको उसकी टिकट खुद ऑनलाइन खरीदनी पड़ती है। बजट एयरलाइन ये सारी की सारी डेस्टिनेशन में जाती है, लेकिन आपको उसके लिए ई वीज़ा लेके जाना पड़ता है। स्पेशली अगर हम बात करें बांग्लादेशी नेशनल के लिए या पाकिस्तानी नेशनल के लिए, बहुत ही ज़्यादा हर्डल्स आती हैं इमिग्रेशन के ऊपर। अफगानी नेशनल के लिए और इराकी, ईरानी नेशनल के लिए हर्डल्स आती हैं इमिग्रेशन के ऊपर, तो आप अपना ई वीज़ा लेके जाएं इन डेस्टिनेशन का जिनका मैंने अभी नाम लिया है, जॉर्जिया या अजरबैजान का। ई वीज़ा आपको $30-$50 का आ जाता है, विद इन 1-3 वर्किंग डेज वो 100% अप्रूवल आ जाता है, 99% सभी को मिल ही जाता है, वो ऐसा कोई सीन नहीं है। जिसके पास में ई वीज़ा है, इमिग्रेशन उससे कोई क्वेश्चन नहीं करती है ज़्यादा, और इजीली इमिग्रेशन क्रॉस हो जाती है। जो बंदे फ्री वीज़ा एक्सेस लेते हैं, एयरपोर्ट के ऊपर फ्री है यूएई गल्फ रेजिडेंसी के ऊपर, तो वो आई डू रेकमेंड कि आप वीज़ा एयरलाइन से ना जाएं, आप दुबई या शारजा से जा सकते हो, तो आपको कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट प्रॉब्लम नहीं आएगी, ईजिली आपकी इमिग्रेशन क्रॉस हो जाएगी। इसके बिना अगर आप स्टिकर वीज़ा लेना चाहते हो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए, तो स्टिकर वीज़े के लिए चीप एंड बेस्ट कंट्री यहाँ से जो ऑलमोस्ट 100% वीज़ा देती हैं, वो आप इजिप्ट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इजिप्ट के लिए अगर आपकी सैलरी या डेजिग्नेशन अच्छा है, लेबर नहीं है, हेल्पर नहीं है, या ट्रेड वर्कर नहीं है, ट्रेड वर्कर क्या होता है जैसे स्किल वर्कर होते हैं, ये नहीं है, तो आपको बैंक स्टेटमेंट देने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एनओसी के ऊपर और आपकी एक सैलरी स्लिप पे स्लिप के ऊपर ही आपका वीज़ा आपको 3 या 4 दिनों के अंदर, 3-4 वर्किंग डेज के अंदर 100% लग जाता है। इजिप्ट का वीज़ा बहुत आसान है, हमारी फ़ीस सिर्फ 300 है, 315 दिरहम, एंड आपको सेम डे हम फाइल बना के दे देते हैं। जाओगे आप कॉन्सुलेट में, वहाँ पे जाके जमा करोगे 3-4-5 दिनों में, 210 दिरहम उनकी एम्बेसी फीस है, वीज़ा आपको स्टिकर पेस्ट करके देते हैं। ये वीज़े की वैलिडिटी 3 महीने की होती है, 3 मंथ आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हो। इसके बिना इजिप्ट के साथ में जॉर्डन की एम्बेसी है, सो आप जॉर्डन का वीज़ा ले सकते हो, स्टिकर वीज़ा उसका भी मिलता है 1 मंथ वैलिडिटी के साथ में, सो 1 मंथ आप जॉर्डन के लिए जा सकते हो, उसका भी वीज़ा आपको 3-4 डेज के अंदर ही मिल जाएगा। जॉर्डन का फाइल भी हम आपको सिंगल सेम डे में बना देंगे, जिसका कॉस्ट 315 ही आता है। इसके साथ तुर्की है, तुर्की का आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, तुर्की एक बहुत ही फेमस ट्रैवल डेस्टिनेशन है, बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे, तुर्की के लिए भी फाइल हम 315 में बनाते हैं, प्लस तुर्की VFS के थ्रू फाइल लेती है, तो VFS की फ़ीस और एम्बेसी फ़ीस आपको एडिशनल पे करनी पड़ेगी,
ओवरऑल कॉस्ट आपके 1000-1050 ऐसा कुछ पड़ता है। तुर्की का 3 मंथ स्टिकर वीज़ा, तो ये वो वीज़े हैं जो आपको 100% मिलेंगे। अगर आप इंडियन नेशनल हो तो रशिया का वीज़ा आप 100% ले सकते हो। रशिया का वीज़ा सिर्फ आपको पासपोर्ट फोटोज़ के ऊपर मिलता है, इसके लिए कोई NOC बैंक स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए। आपको 5-6 दिनों में ये भी 100% वीज़ा मिल जाता है। तो ये सारी वो कंट्री हैं जो UAE के अंदर आपको 5-7-8 दिनों के अंदर वीज़ा मिल जाएगा या वीज़ा फ्री है। और इन सभी डेस्टिनेशन के ऊपर बजट एयरलाइन जो कि वीज़ा एयरलाइन है वो जाती है। अबूधाबी से उसकी फ़्लाइट है 500-600-700 दराम में आपको रिटर्न फ़्लाइट मिल जाती है सारी की सारी डेस्टिनेशंस के अंदर। अगर आप जाओगे आने जाने की फ़्लाइट आपको 600-700 के अंदर अंदर हो जाती है, यानी कि आपका पूरा राउंड ट्रिप इंक्लूडिंग होटल 1000 दराम के अंदर अंदर हो जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक पैकेज आपका बन जाएगा अगर आप इन ट्रैवल डेस्टिनेशन के ऊपर जाते हो। और ये वीज़ा ऑलमोस्ट 100% होते हैं जो मैंने आपको कंट्री बताई हैं। वीज़ा द बेस्ट फॉर द ट्रैवल हिस्ट्री, बहुत ही आसानी से आप 5-7-8 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हो और बहुत ही कम बजट में आप जा सकते हो। तो आई डू रिकमेंड आप किसी भी बड़ी कंट्री को अप्लाई करने से पहले इन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें। और इनके लिए एक और भी ऑप्शन है, हम वाया थर्ड कंट्री भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम पहले तुर्की या इजिप्ट का वीज़ा ले लें और हम एक ही बार में शो करें कि आप दुबई से पहले इजिप्ट जाओगे, फिर शेनिंगन जाओगे, शेनिंगन से वापस आओगे। जब हम आपकी फाइल इस तरीके से बनाते हैं या दुबई से तुर्की और शेनिंगन देन कम बैक, तो वाया थर्ड कंट्रीज को बोला जाता है। और इससे वीज़ा चांसेस है जो बड़ी कंट्री का और भी आसान हो जाता है। तो ये वीडियो होप्स हो कि आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। अगर ये अच्छी लगे इसको लाइक करो, शेयर करो, सभी के साथ में स्प्रेड करो ताकि कोई भी बंदा इसकी इन्फॉर्मेशन ले सके। और ऐसी हम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं रिलेटेड टू द वीज़ा एंड इमिग्रेशन पॉलिसीज फॉर द वेरियस कंट्री, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी अगर आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करोगे। कभी भी हम वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।